एवरीवन वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपको टर्मरिक टी हल्दी वाली चाय बनाना बता रहे हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। आप देखिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से फटाफट बन जाती है, और अगर आपको भूख लगी है बहुत जोरदार और आप कुछ हैवी नहीं खाना चाहते हैं, वेट लॉस की उसमें डाइट्स में ले रहे हैं, तो आप उस समय ये टर्मरिक टी ले सकते हैं। बहुत अच्छी है, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपको फ्रेश हल्दी मिलती है तो आप फ्रेश यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने फ्रेश हल्दी को इस तरह से छील के और ग्रेट कर लिया है। ये मैंने हाफ टी स्पून के करीब ग्रेट कर लिया है। ऐसे ही मैंने जिंजर को ग्रेट कर लिया है, ये ग्रेटर की मदद से मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। ये ब्लैक पेपर है जो 1 पिंच के करीब हम क्रश करके डालेंगे। ये मैंने ऑर्गेनिक हनी लिया है जो 1/2 टीस्पून डालेंगे, बट आपकी चॉइस है। अगर आप ऐसे ही पीना चाहें तो आप बिना शुगर के बिना इसके हनी के पी सकते हैं। और ये मैंने पानी लिया है, अगर हम 1 कप ये वाली कप से टी बना रहे हैं तो 1.5 हम इसको लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत जरा सा ग्रेट करने में भी मेरे हाथ पीले हुए हैं, तो आप ग्लव पहन सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो ये 1-8 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। ये हमने 1.5 कप पानी को बॉइल कर लिया है और अब हम इसमें ये हल्दी डालेंगे, जिंजर डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश हल्दी अवेलेबल नहीं है तो आप 1/4 टीस्पून पाउडर हल्दी यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे मिक्स करेंगे और हम इसमें ब्लैक पेपर क्रश करके डालेंगे, बिल्कुल 1 पिंच के करीब, और इसको गैस को सिम कर देंगे, इसको ढक देंगे और बॉईल होने देंगे 5 मिनट्स के करीब, ताकि वो सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट हैं उसके जो फ्लेवर हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं, गुण जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। और अगर आप पाइल्स के रोगी हैं, आपको पाइल्स है तो ये गर्म होती है बहुत, कोई भी ऐसी चीज है तो आप वो ध्यान से लें, अपने अकॉर्डिंग लें, क्योंकि कुछ जगह पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़नी शुरू हो गई है, तो उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम 5 मिनट हो गई हैं, चेक कर लेते हैं। बहुत सुंदर कलर, बहुत बढ़िया, ऐसे मिला देते हैं हम इसको, स्ट्रेन कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 1/2 टीस्पून हमने इसमें हनी डाल दिया है, क्योंकि बॉईल करते हुए हमें हनी नहीं डालना है, और इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसको स्ट्रेन कर रहे हैं। आप इसमें मिश्री पाउडर ले सकते हैं, आप जैगरी पाउडर यूज कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। और ये देखिए कितनी सुंदर टी बनकर तैयार है। अब हम इसको चम्मच से मिला लेते हैं और करते हैं, और ये देखिए कितनी बढ़िया कलर और कितनी अच्छी ये चाय बनकर तैयार है। जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।